तो गाइस आज हम लोग जानेंगे ट्रेन के पटरी पे वो छोटे छोटे पत्थर क्यों दिए जाते हैं और ये बहुत ही कामदायक होता है और इसी के बारे में आज जानेंगे। आप लोगों ने कभी पटरी पे चलते हुए देखा होगा तो आपको ये दिमाग में सवाल जरूर उठता होगा कि ये ऐसा क्यों दिया होता है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आप वीडियो को लाइक कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको बता दें कि पटरी के बीच में ये छोटे छोटे पत्थर ये साइंटिफिक कारण है इसका। रेल पटरी पे देखने की जितनी साधारण होती है हकीकत में उतनी साधारण नहीं होती है। उस पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट होते हैं, स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे पत्थर या गिट्टी होती है यानी कि उसे ब्लास्ट भी कहते हैं। इसके नीचे अलग अलग तरह की दो लेयर में मिट्टी होती है और इसके नीचे नॉर्मल जमीन होती है। इनसे भी ज्यादातर लोग को यही लगता है कि ये साधारण पटरी को जमीन पे ऐसे भी छा दिया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। इस पटरी पे अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ट्रैक साधारण जमीन से थोड़ी ऊंची होती है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय ट्रेन की वजन लगभग 10 लाख किलो होता है, जिसमें सिर्फ पटरी नहीं संभाल सकती। इतनी भारी भरकम ट्रेन की वजन को संभालने में लोहे के बने ट्रैक के साथ कंक्रीट के बने स्लीपर व पत्थर सहयोग करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। पत्थरों की वजह से कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलती। ट्रक पर बिछाई जाने वाली गिट्टी खास तरह की होती है। अगर इन गिट्टी को गोल तरह से बनाया जाए तो इस्तेमाल जाए तो वह एक दूसरे से फिसलने लगेंगे और पटरी अपनी जगह से हट जाएगी। यह नुकीली होने के कारण एक दूसरे से मजबूत पकड़ बना लेते हैं। जब भी ट्रेन पटरी से गुजरती है तो पत्थर आसानी से ट्रेन के बाहर संभाल लेते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पटरी पे पत्थर क्यों होते हैं। अगर आपको आ गया है समझ में तो कमेंट करके बता देना। और एक